हेलो एवरीवन, माय नेम इज चेतन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो कॉल है वो हमें हमारे ही एरिया से 5 मिनट की दूरी पर एक बंगलो है वहाँ से आया है, और कॉलर ने हमसे ऐसा कहा है कि उनके बंगलो में उन्हें अजगर का बच्चा दिखा है। तो चलो फटाफट चलते, हम भी देखते कौन सा सांप है, उसे रेस्क्यू करके कहीं अच्छी जगह पर रिलीज कर देते हैं। मराठी मध्ये गोणस बोलतात आणि इंग्लिश मध्ये रसल फ्लायपर बोलतात। जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों, ये भारत में पाए जाने वाले 4 जहरीले सांपों में से एक है, जिसे इंग्लिश में रसल स्वाइपर कहते हैं, हिंदी में गोनस कहते हैं, और हमारा साइंस इसे डबोया नाम से जानता है। दोस्तों, इसमें हीमोटॉक्सिन नाम का जहर होता है। इसे पहचानना बहुत ही आसान है। दोस्तों, आप देख सकते हो इसके बॉडी पर आपको चॉकलेटी कलर में, हल्के ब्लैक कलर में रुद्राक्ष जैसी डिजाइन दिखेगी। आप देख सकते हो इसके गले से लेके पूंछ तक वो डिजाइन रहती है, और इसके साइड में भी, दोनों साइड में सेम डिजाइन रहती है। दोस्तों, अब आप इसका मुंह देख सकते हो। दोस्तों, आपको ट्रायंगल शेप में दिखेगा, त्रिकोण शेप में। और इसे जब गुस्सा आता है दोस्तों, तो ये एक प्रेशर कुकर जैसा आवाज करता है। आप देख सकते हो जो अभी भी कर रहा है। इसका मतलब है दोस्तों, ये हमें चेतावनी दे रहा है कि भाई मेरे पास मत आओ, मुझसे आपको खतरा है। और तब भी अगर हम दोस्तों इसे छेड़खानी करते हैं, इसके पास जाते हैं, तभी हमें ये बाइट करता है। भारत में सबसे ज़्यादा स्नेक बाइट के केसेस इसी सांप के हैं दोस्तों, क्योंकि लोग इसे अजगर समझकर पकड़ने के लिए जाते हैं और उन्हें बाइट हो जाता है। अजगर में जहर नहीं होता है दोस्तों, और ये जो रसल स्वाइपर है इसमें जहर होता है। लोगों को लगता है कि ये पाइथन है, अजगर है, इसमें जहर नहीं है, और इसे पकड़ने जाते हैं और उन्हें स्नेक बाइट होकर लोग मर जाते हैं। ये सांप अगर किसी इंसान को काटता है दोस्तों, अगर हम सही तरह से उसका इलाज नहीं करते हैं, तो जहाँ पर भी हमें बाइट हुआ है वहाँ पर गैंग्रीन हो जाता है, सड़ जाता है। और अगर हम टाइम पर इलाज नहीं करते हैं, टाइम पर हॉस्पिटल नहीं जाते हैं, तो इंसान के नाक से, मुंह से, कान से खून आना स्टार्ट हो जाता है और इंसान की जान चली जाती है। तो मैं बस आपसे इतना ही बोलना चाहता हूँ दोस्तों, कि अगर आपके यहाँ किसी को स्नेक बाइट होता है, तो आपके यहाँ पर आसपास कहीं भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल होगा तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही जाइए, प्राइवेट हॉस्पिटल में ना जाए, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में एंटीवेनम अवेलेबल नहीं होता है। तो अभी हम इसे यहाँ पर रिलीज कर देते हैं दोस्तों। और ऐसे ही स्नेक के रिलेटेड, रेप्टाइल्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, और साथ ही साथ बेल बटन भी दबाइए।